ये जो आपके सामने ग्राफिकल वेरिएशन दिख रहा है वो ग्राफिकल वेरिएशन है करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एज अ फंक्शन ऑफ स्किन डेप्थ। तो आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, शायद आपने गेस किया होगा, आज हम स्किन डेप्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जो टॉपिक करने वाले हैं स्किन डेप्थ, वो मेरे एक फॉलोअर ने रिक्वेस्ट किया था, निविदा ने। वो हमेशा मुझे कुछ अलग अलग टॉपिक देती है जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज हम स्किन डेप्थ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जून 2017 में पूछा गया था, वो पार्ट बी में था क्वेश्चन पेपर के। तो ये प्रश्न इस प्रकार का है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जीरो इन फ्री स्पेस ट्रैवल्स थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो प्लस आई एप्सिलॉन आई वेयर एप्सिलॉन आई अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। If the skin depth is lambda 0.4 pi, the ratio of the amplitude of electric field E to that of the magnetic field B in the medium is, तो हमें epsilon permittivity का ratio दिया है, उसकी value दी है, skin depth की value भी दी है, और हमें निकाला क्या है, amplitude of electric field to amplitude of magnetic field, इसका ratio हमें निकालना है, ठीक है। तो ई ज़ीरो अपॉन एच ज़ीरो हमें निकालना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 120 पाई, बी 377, सी 30√2 इंटू पाई और डी है 30 पाई। तो ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। स्किन डेप्थ जो है, इट इज़ अ डिस्टेंस दैट इट टेक्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ फैक्टर ऑफ 1/E, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्किन डेप्थ। तो 1/E तक रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। ये डेफिनेशन स्किन डेप्थ का आपको किसी भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बुक में मिल सकता है। मैंने जैसे कि रेफर किया था ग्रिफिथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन के अंडर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 1/kappa। और ये एक डिपिक्शन मैंने ड्रॉ किया था, ये जो डी है वो स्किन डेप्थ है। तो कप्पा की वैल्यू कितनी होती है, कप्पा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा रेस्ट टू 2 माइनस 1 रेस्ट टू 1 अपॉन 2। तो ये है कप्पा की वैल्यू। स्टेप वन देख लेते हैं, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन डी क्या है, लैम्डा 0.4 pi, और जैसे हमें पता है कि डी इज इक्वल टू 1/kappa, तो कप्पा कितना आएगा, 4 pi अपॉन लैम्डा 0। तो हमें और एक इंफॉर्मेशन दी है, एप्सिलॉन आई अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी दी है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। और हमें पता है कि एप्सिलॉन आई अपॉन एप्सिलॉन आर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा है, इसका यूज़ हमें करना है आगे जाके। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा जो आपको कप्पा के इक्वेशन में दिया गया था, फिर से एक बार देखते हैं वो। तो ये कप्पा का इक्वेशन था इधर, और इसमें ये जो पार्ट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, वो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे दिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो एप्सिलॉन आई अपॉन एप्सिलॉन आर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इस प्रश्न के हिसाब से। तो हमें खाली इक्वेशन में डालना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा के जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और फिर 3 + 1 = 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2, और आगे जाके ये सिंप्लीफाई होके आपको मिलेगा कप्पा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू अपॉन 2, ओके। तो ये कप्पा 4 pi अपॉन लैम्डा 0 भी है इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कप्पा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 pi अपॉन लैम्डा 0। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। ओमेगा
square root of epsilon mu upon 2 is equal to 4 pi upon lambda 0 implies square root of epsilon mu is equal to square root of 2 upon omega into 4 pi upon lambda 0. So is equation से हमें ये मिलता है square root of epsilon into mu. तो ये equation 1 हम consider करते हैं. तो wave number k is equal to square root of k square plus kappa square and this is equal to omega into the bracket epsilon mu square root of 1 plus sigma upon epsilon omega square raised to 1 upon 2. तो ये है wave number की value. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, e0 अपॉन b0 में. तो e0 अपॉन b0 कितना है, ओमेगा अपॉन k, k वेव नंबर है और इसका हमें क्या मिलेगा वैल्यू, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन म्यू. अभी एप्सिलॉन म्यू के जगह हमें अर्लियर इक्वेशन डालना है इक्वेशन 1, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 * स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा * 4 पाई अपॉन लैम्डा 0. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आएगा इस इक्वेशन में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है 2 और 2 इंटू 4 आता है 8. तो ये हमें मिलता है e0 अपॉन b0 इज इक्वल टू लैम्डा 0 ओमेगा, ठीक है, लैम्डा 0 ओमेगा अपॉन 8 पाई. तो इस इक्वेशन से हमें ये मिलता है. तो ये अभी रीएडजस्ट करना है हमें, ओमेगा is 2 pi c upon lambda 0. तो ये equation डालने के बाद lambda 0 और lambda 0 common terms cancel हो जाएंगे, pi और pi भी cancel हो जाएगा और बचेगा क्या, e0 upon b0 is equal to c upon 4, ठीक है. अभी e0 upon b0 अगर c upon 4 है तो e0 upon h0 कितना आएगा, it will be c upon 4 mu 0, ठीक है. फिर हमें c और mu 0 की value खाली डालनी है. अभी h0 और b0 से h0 कैसे आया वो हम देख लेते हैं. H की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इनटू P. तो ये हमने इधर यूज किया था, ठीक है. तो ये हमें सॉल्व करना है, नंबर्स सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 30 पाई, E0 अपॉन H0 इज इक्वल टू 30 पाई. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. तो सही विकल्प कौन सा है, बराबर D जो विकल्प है वो सही विकल्प है. सो D इज क्या है, 30 पाई. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आज हमने जो टॉपिक किया है स्किन डेप्थ, उसमें अगर आपको कोई भी सवाल या कोई शंका हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए. तब तक सेहतमंद रहे और खूब पढ़ाई करें.